गाजा है ये, यहाँ जिंदगी बारूद से सनी है, कदम कदम पर मौत है, कोई भी सलामत नहीं। एशिया महाद्वीप के उसी हिस्से का ये मुल्क सीरिया है, जिसकी शक्ल बारूदी प्रहार से बिगड़ रखी है। युद्ध का ताप झेल चुकी इन्हीं दोनों जैसा हाल बांग्लादेश का होने वाला था। भारत के पड़ोसी देश में बहुत बड़े और खौफनाक कांड की साजिश रची गई थी। बांग्लादेश को गाजा बनाने का प्लान था, ढाका को सीरिया जैसा खंडहर बनाया जाना था, शेख हसीना को गद्दाफी जैसी सजा दी जानी थी। सिर्फ 45 मिनट से बच गई शेख हसीना। जिस आग से बांग्लादेश जला, जिस गुस्से से शेख मुजीब के पुतले ढहे, जिस आक्रोश से चटगांव में लाशें बिछी, वो अनायास नहीं था, ना ही वो आवाम की शेख हसीना से कोई नफरत। ये चिंगारी का खेल था जिसे भड़काया गया। आग भड़कने के बाद उसमें पेट्रोल छिड़का गया, पेट्रोल छिड़कने के बाद इसमें बेगुनाहों को झोंका गया। सैकड़ों जान खाक करने के बाद भी जब बांग्लादेश के दुश्मनों को ये इत्मीनान नहीं हुआ कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ेंगे, तो उनके मर्डर का प्लान तैयार किया गया। बांग्लादेश के कट्टर जमाती, बांग्लादेश के सबसे कट्टर दुश्मन, देश की खुफिया एजेंसी, उसी मुल्क के आर्मी जनरल और खूंखार दहशतगर्दों ने ऑपरेशन गणभवन की प्लानिंग की थी। गणभवन को घेर कर शेख हसीना को भीड़ के हवाले करने की साजिश का पर्दाफाश किसी और ने नहीं, उनके बेटे सजीव वाजेद जॉय ने किया है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सजीव ने बताया कि ढाका के गणभवन में शेख हसीना की जान खतरे में थी। मेरी माँ कहां भी पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई करे नहीं, ये सब बकवास है। इसका कोई डिसीजन नहीं लिया है। हमारे माँ बांग्लादेश में फिर जाते चाहती है, ये आज हो कल हो एक दिन हमारी माँ बांग्लादेश फिर जाएंगी। शेख हसीना की जान कौन लेना चाहता था? आंदोलनकारी छात्रों को कौन गढ़भवन तक ले जा रहा था? हिंसक उपद्रवियों का सरगना कौन था? क्या ये ढाका के कट्टर जमाती थे? क्या हसीना की जान लेने के लिए दहशतगर्दों की घुसपैठ कराई गई थी? बांग्लादेश की आर्मी और डिफेंस फोर्सेस में क्या कोई शेख हसीना का दुश्मन था? 5 अगस्त की तारीख को ढाका में जो हुआ वो जितना सनसनीखेज था उतना ही खौफनाक भी। इस डरावने घटनाक्रम के बीच भी शेख हसीना अपना देश छोड़ने को तैयार नहीं थी। 4 अगस्त को बांग्लादेश में हिंसा और उपद्रव में 100 की मौत हो गई थी। 5 अगस्त को आंदोलनकारियों ने ढाका के गढ़भवन पर धावा बोल दिया था। तब ढाका से दिल्ली 2 अर्जियां पहुंची। पहली अर्जी में प्रधानमंत्री शेख हसीना को कुछ समय के लिए भारत आने की इजाजत मांगी गई थी। इसके कुछ देर बाद भेजी गई दूसरी अर्जी में बांग्लादेश के अधिकारी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के भारत में दाखिल होने के लिए क्लियरेंस मांगी। 5 अगस्त की सुबह शुरू हुआ ये हाई वोल्टेज ड्रामा दोपहर से पहले खूनी होने लगा। 4 लाख की उग्र भीड़ ढाका की सड़कों पर थी। बांग्लादेश के पीएम आवास की तरफ तेजी से बढ़ती भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तब बांग्लादेश के तीनों सेनाओं के प्रमुख और पुलिस के मुखिया ने शेख हसीना के आवास पर दस्तक दी। पीएम आवास पर तीनों सेना प्रमुखों ने शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने की सलाह दी। उस वक्त वहां मौजूद शेख हसीना के बहन रेहाना को भी हालात की गंभीरता बताई गई, जिसके बाद रेहाना ने शेख हसीना से अकेले में 20 मिनट तक बात की, लेकिन शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर नहीं जाने पर अड़ी रही। आखिरकार आर्मी जनरल वक्कार उस जमान ने अमेरिका में रह रहे हसीना के बेटे वाजेद जॉय को फोन किया। यहां कोई पुलिस नहीं है, यहां कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त हमारी माँ वो बांग्लादेश छोड़ते उनकी बांग्लादेश छोड़ना का कोई इंटेंशन नहीं था।
बेटे के बार बार समझाने पर, ये बताने पर कि उनकी जान खतरे में है, दुश्मन देश और कई ताकतवर खुफिया एजेंसियों के खूंखार लोगों का दिमाग साजिश में लगा है, तब भी शेख हसीना मानने को तैयार नहीं हुई। लेकिन जब बेटे ने शेख हसीना को 1975 का इतिहास याद दिलाया तो उन्होंने लंबी चुप्पी के बाद सिर्फ जवाब में हां कहा। उसके बाद ढाका से दिल्ली तक खलबली मच गई। शेख हसीना को ढाका से सुरक्षित निकालना आसान नहीं था। सेना की तरफ से शेख हसीना को 45 मिनट की डेडलाइन दी गई थी और इन सब के बीच में 4 लाख की उग्र भीड़ को नफरती नारों से बेकाबू कर दिया गया था। हिंसक उपद्रवी कुछ भी करने को आमादा हो गए। 5 अगस्त की दोपहर 1 बजे शेख हसीना ने देश छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन जाते जाते वो देशवासियों को एक संदेश देना चाहती थी, मगर बांग्लादेश की आर्मी के कुछ जनरलों को ये भी मंजूर नहीं था। शेख हसीना देश के नाम संबोधन की तैयारी कर रही थी, लेकिन लाइव ब्रॉडकास्ट वाला ट्रक पीएम आवास की जगह आर्मी चीफ के हेडक्वार्टर भेज दिया गया, जिससे साफ हो गया कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना के पास देश छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्हें प्रधानमंत्री आवास से 12 गाड़ियों के काफिले के जरिए गणभवन के पीछे से निकाला गया, जहां प्रदर्शनकारी मौजूद थे। हालांकि सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को प्रधानमंत्री की इस गाड़ी के काफिले को रास्ता बनाने के लिए लगाया गया था। पीएम आवास से शेख हसीना को हेलीपैड ले जाया गया। वहां हेलीकॉप्टर के जरिए हसीना और उनकी बहन रेहाना एयरफील्ड पर पहुंची। फिर दोनों मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठकर बांग्लादेश से भारत के लिए उड़ान भरी। 5 अगस्त को करीब 6 बजे शेख हसीना C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची। भारत की मदद से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की जान तो बच गई, लेकिन उनके देश से की जा रही साजिशें थमी नहीं है। मोदी सरकार हमारे मां की जान बचाए दी है, इसके लिए उनके प्रति हमारी शुक्रिया है। लेकिन अवामली बांग्लादेश इंडिया ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगा। बांग्लादेश में जारी उथल पुथल के बीच भारत में घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। बॉर्डर पर बुधवार को 500 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने घुसपैठ से रोका। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े लोग खौफ में हैं। ज्यादातर भारत में घुसपैठ कर अपनी सलामती की गारंटी चाहते हैं। भारत में शरण की आस में किशनगंज बॉर्डर पर आए सैकड़ों बांग्लादेशियों को वापस लौटाया गया। बांग्लादेश सरहद पर सीमा सुरक्षा बल सतर्क है। वहीं बांग्लादेश में आवामी लीग के नेताओं ने शेख हसीना की दमदार वापसी का भी ऐलान किया है। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे के सामने एकजुट होकर शेख हसीना को वापस लाने की कसम खाई है। आवामी लीग और उसके सहयोगी दलों ने हसीना के वतन वापसी तक आंदोलन करने का ऐलान भी किया है। इस बीच शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने एक वीडियो रिलीज कर बड़ा ऐलान किया है। वीडियो संदेश में